गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस के लिए हमें कार्डियो करना चाहिए या फिर वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको भी वर्कआउट शेड्यूल में कार्डियो करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग करना चाहिए या फिर कोई और वर्कआउट करना चाहिए एंड हाउ यू कैन एक्चुअली लूज वेट। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जितना ज्यादा आपका वेट होगा आप उतना ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे वर्कआउट करते हुए। तो ऑब्वियसली जो इंसान 40 केजीज का है वो अगर 30 मिनट का वॉकिंग करता है तो उसकी कम कैलोरीज बर्न होंगी कंपेयर टू एक 100 किलो का कोई बंदा है वो 30 मिनट वॉकिंग करता है। सेकेंड चीज जो आती है वो ये है आपकी इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट। ऑब्वियसली अगर आप रनिंग करते हो तो आप जॉगिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, अगर आप जॉगिंग करते हो तो आप वॉकिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। कैलोरीज आप इन तीनों एक्टिविटीज में बर्न करते हो बट आपकी इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट डिटरमाइन करता है कि आप कम टाइम में कितना ज्यादा कैलोरी बर्न करते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्डियो से क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक्चुअली कार्डियो करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड स्पेशली गर्ल्स। तो कार्डियो जो होता है ना, लेट्स से कि अगर आप 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो करते हो तो कार्डियो करते हुए आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे कंपेयर टू अ 30 मिनट ऑफ वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ऑब्वियसली आप जब कार्डियो करते हो आप सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो ड्यूरिंग दैट वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट करते टाइम आप सबसे ज्यादा कैलोरीज अगर बर्न करते हो तो वो आप कार्डियो में करते हो कंपेयर टू एनी अदर एक्सरसाइज। एंड कार्डियो में भी अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की वर्कआउट करते हो जैसे कि आपका जंपिंग जैक्स हो गया, हाई नीज हो गया, स्क्वाट जंप्स हो गए, ये सारे आपके हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट्स होते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया आप जितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करोगे आप कम टाइम में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी बिल्कुल आपका हार्ट रेट इतना फास्ट हो जाता है एंड बॉडी इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है एंड उसको इतना सारा एनर्जी चाहिए होता है उस वर्कआउट को करने के लिए। सो इसीलिए वो सबसे ज्यादा कैलोरीज उसमें बर्न करती है। और कार्डियो करने के ना बहुत सारे फायदे भी हैं। कार्डियो आपका जो स्लीप होता है वो इम्प्रूव करता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आप फील करते हो ना अगर आप कार्डियो करोगे तो आपको महसूस होगा खुद से कि वो सब स्टिफनेस भी कम हो जाता है। आपने कभी देखा है कि कभी आप रनिंग करो एंड उसके बाद रात को आप जब सोने जाते हो ना इतनी चैन की नींद आती है। शायद आप लोग खुद करके भी देखना, आपको खुद से ये डिफरेंस फील होगा। सो कार्डियो के तो हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देख लिए। तो लोग क्यों कहते हैं कि हमें वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, अगर कार्डियो से ही हम सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं तो वेट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए? और क्योंकि आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो ना आप अपनी बॉडी में मसल गेन करते हो। मसल गेन करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि आप अगर कभी सो रहे होते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेटे हुए हो तो भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है क्योंकि आप सांस ले रहे होते हो, आपकी बॉडी के अंदर बॉडी इतने सारे फंक्शनिंग कर रही होती है, हो सकता है खाना डाइजेस्ट कर रही हो, ब्लड पंप कर रही हो, काफी सारी चीजों में कैलोरीज लगती है। तो इसी तरीके से आपकी जो मसल्स होती है वो भी कैलोरीज यूज करती है, कैलोरीज बर्न करती है। तो ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा मसल अपनी बॉडी पे गेन करोगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी और आपका मसल कैलोरीज बर्न करेगा। हालांकि इसमें एक चीज जो पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है कि ये कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप मान लो कि 50 कैलोरीज पर डे, दैट्स इट, इतनी ही कैलोरीज होती हैं। तो फिर हमें वेट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए अगर कैलोरीज भी ज्यादा मसल से इतनी ज्यादा बर्न नहीं होती? तो क्योंकि ये आपकी बॉडी को टोन अप करता है। आप अपनी बॉडी पे जितना ज्यादा मसल गेन करते हो आपकी बॉडी उतनी ज्यादा शेप में लगती है, उतनी ज्यादा टोन्ड लगती है। एंड ऑब्वियसली आप जब भी वेट लॉस करना चाहते हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप बिल्कुल स्किनी लगो, है ना? सो इसीलिए हम लोगों को वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी पे मसल्स गेन कर सके। सो मैंने दोनों के आपको फायदे तो बता दिए हैं। तो अब आप कहोगे कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्डियो करना चाहिए या वेट लॉस के लिए हमें वेट ट्रेनिंग करना चाहिए और बेस्ट कौन सा है? तो देखो, बेस्ट डिपेंड करता है आपके अपने खुद के गोल के ऊपर। आपका गोल क्या है? जैसे मेरे को गोल है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए और मुझे मसल मास चाहिए ताकि मैं बहुत अच्छे और टोन्ड शेप में आऊं, तो मैं वेट ट्रेनिंग कंपैरेटिवली कार्डियो के ज्यादा करती हूँ। लेकिन हमें हमारे वर्कआउट शेड्यूल में दोनों को मिक्स करके यूज करना चाहिए क्योंकि जब आप कार्डियो करते हो आपका कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न होता है और इसी वजह से आप अपना फैट
जो होता है वो ज्यादा लूज करते हो वेट ट्रेनिंग के कंपेयर में, और आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप मसल्स गेन करते हो और साथ ही साथ फैट लॉस भी करते हो। तो जब भी कोई एक मोटा इंसान अपना वजन कम करना चाहता है ना, उसके दो गोल्स होते हैं। पहला, वजन भी कम हो और वो अच्छा भी दिखे। तो इन दोनों चीजों को अचीव करने के लिए हमें कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग दोनों करनी होती है, ताकि हम फैट लॉस करने के साथ साथ मसल गेन भी कर सके। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मोर मसल मीन मोर मेटाबॉलिज्म, मोर मेटाबॉलिज्म मीन्स यू कैन ईट मोर एंड यू विल बर्न मोर कैलोरीज। इसकी वजह से अगर आप वर्कआउट में कार्डियो करते हो तो वर्कआउट करते टाइम आप कैलोरीज बर्न करोगे, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो वर्कआउट खत्म करने के बाद भी आप कैलोरीज बर्न करोगे, क्योंकि आपकी मसल्स कैलोरीज बर्न करती हैं। सो है ना मजेदार बात। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों को अपने वर्कआउट शेड्यूल में इंक्लूड करो। या तो आप डेली 5 मिनट का कार्डियो कर सकते हो अपने वेट ट्रेनिंग के साथ, या फिर आप हफ्ते में 1 दिन डेडिकेटेड रख सकते हो सिर्फ कार्डियो करने के लिए। तो आप अपने गोल्स के हिसाब से आपको क्या ज्यादा पसंद है आप वैसे कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि मैंने आपका ये डाउट तो क्लियर कर दिया हो कि हमें वेट लॉस के लिए कार्डियो करना चाहिए या फिर वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। दोनों के फायदे मैंने आपको बता दिए, और बेस्ट क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बता सकते हो कि आपके मन में कोई डाउट है तो मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे, कॉमेंट भी आप कर ही दोगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर ही रखा है, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ही दिया होगा। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स वेट लॉस के ऊपर शेयर करती रहती हूँ। मैं अपनी खुद की डाइट भी इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आप वहां से काफी सारे इंस्पिरेशन ले सकते हो अपना खुद का डाइट बनाने के लिए। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।